सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारी सरकार है तानाशाही है कि नहीं, तो उन्हीं के सांसद अब उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है क्या, डर की सरकार जाने वाली होगी, मैं कुछ दूसरा विकल्प तलाश लूं, कुछ ऐसा लगा था। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने भारत की सीमाओं का, अर्थव्यवस्थाओं का सौदा किया है, ऐसा उनका आरोप लगाया है। बिल्कुल लगाया है, बाकी वो जाने इसको कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है वो तो ये बात उसी से पूछ। दूसरी बात, बात क्या है कि देश को बेचा जा रहा है, बता दूं कैसे बेचा जा रहा है। जो 27 बैंक होते थे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर के होते थे, आपके हमारे पूरे देश के होते थे, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, केवल 10-8 बच गए, 10 बच गए, उनको भी बेचा जाएगा। 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा गांधी जी सरकार ने, आज उनको बेचा जा रहा है। 12 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा था एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें से 8 लाख करोड़ पूंजीपतियों का पिछले 7 साल में माफ कर दिया है। किसानों का कितना है, 1.5 लाख करोड़ रुपए, किसान कितने, 90 करोड़, पूंजीपति कितने, 1 या 2 हजार, मतलब पूंजीपतियों का माफ हो रहा है, किसानों का माफ नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्यों लगता है कि उसी पार्टी का राज्यसभा सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलता है, सरकार कुछ नहीं करती है? ये गलत क्वेश्चन है। इस देश में पार्टी को कहाँ चुना और ना ही किसी सांसद को चुना। बीजेपी पार्टी नहीं है, पार्टी कहाँ, पार्टी ने वोट कब मांगा था, वोट आया था, जो वोट मिला था वो मोदी जी ने मांगा था कि 350 फूल मुझे दे दो, पार्टी का नाम नहीं था वहाँ। पार्टी को ये आपकी बार मोदी सरकार क्या था, अबकी बार मोदी सरकार उनके प्रधानमंत्री चेहरे थे, तो चेहरे थे ना, तो चेहरे को वोट दोगे तो ऐसा ही होगा। तुम पार्टी छोड़ जाओ, तुम मर जाओ, तुम क्षेत्र में चले जाओ, पिट जाओ, कपड़े फट जाएं, उन्हें क्या लेना देना यार। वोट मोदी जी को दिया था और मोदी जी तो हाई सिक्योरिटी में, कई लेयर की सिक्योरिटी है उनके पास, हवाई जहाज भी 900 करोड़ का आया है, उन्हें उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस देश में सांसद चुनने की परंपरा नहीं है, आंखें बंद करके और एक आदमी को हम वोट देंगे और एक आदमी को हम हिटलर बना देंगे इस देश में, तो तुम्हारा अधिकार भी नहीं होगा और अधिकार उसका भी नहीं है जिसे तुमने चुना है। अच्छा, तुमने उन्होंने जो आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी के ऊपर, क्या लगता है आरोप सही है? आरोप इसलिए भी सही है, तुमने जूता बजते नहीं देखा था, सांसद विधायक के ऊपर जूता बजा रहा था, विधायक सांसद के ऊपर, दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे, वो ना उसकी दर्द किसी से कह सका, ना वहाँ दर्द किसी से कह सका, पूरी की पूरी पार्टी ये गिरवी रखी हुई है और मोदी जी इसके चेहरा है, पार्टी भी कुछ नहीं है। जिस दिन ये मोदी जी यहाँ से जाएंगे, ये किसान इन्हें लात मार के भगाएंगे, उस दिन ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी, ये संसद को भी नाम निशान खत्म हो जाएगा और ये 325 विधायक जो उत्तर प्रदेश में है, इनका भी कहीं कोई कुछ नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, एक विधायक एक किसी की मोटरसाइकिल दरोगा से कह के नहीं छुड़वा सकता, एक विधायक थाना इंचार्ज कुत्ते की तरह भगाता है, तो किसी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो श्रम मोदी जी और अमित शाह की वैल्यू है इस पार्टी में। अगर पार्टी की बात करते हो तो वोट मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि हमें 350 फूल दे दो, हम तुम्हारा विकास कर देंगे, तो ये बात थी कि 350 फूल दे दिए, लेकिन विकास हाथ हमारी तरफ जरूर था, लेकिन वो लंबा हाथ उद्योगपतियों के पास चला जाता था। विकास नहीं हुआ, लगातार आरोप है विकास नहीं हुआ। एक बात बताइए, जब अपनी ही पार्टी का जो सांसद है खिलाफत कर रहा है, पिछले भी ऐसा देखा गया था कि बीजेपी को छोड़ करके जो एनडीए इनका ग्रुप था, हनुमान बेनीवाल हो गए राजस्थान के, अन्य तमाम लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं और अपना ही सांसद लगातार खुल करके बगावत करना शुरू कर चुका है, क्या लगता है आने वाले संकेत क्या दिखाई दे रहे हैं? देखो आज मीडिया को भी दिख गया, उसने कह दिया कि लोकतंत्र खतरे में है उनके ही व्यक्ति को, पिछले 4 माह से किसान यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया चिल्ला रहा है, न किसी मीडिया को नजर आया, उन्हें लगा कि अपने किसी फायदे के लिए कह रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से हम लोग भी और समाज सेवी संस्थाएं और छात्र संघ के लोग और बेरोजगार जो हमारे लोग भाई बेरोजगार साथी सड़कों पर घूम रहे हैं, या वे साथी जो इस देश के बेरोजगारियों की मांग के लिए, इस देश के किसानों की मांग के लिए, इस देश के नौजवानों की मांग के लिए, या फिर देशभक्ति का जज्बा जिनमें था, जिन्हें पता था कि लोकतंत्र खतरे में है, उन लोगों ने चीख चीख कर कहा, लेकिन किसी मीडिया को दिखाई नहीं कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अचानक उन्हीं की पार्टी का कोई सांसद बोलता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो अचानक आप लोगों को भी दिख गया और देश की टोटल मीडिया को भी दिख गया, जो नेशनल मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सुब्रमण्यम स्वामी नजर आ गया। लेकिन आखिर जो सांसद है, जो पूरे देश की आवाज है, वे लोगों तो आप लोगों को दिख जाती है, लेकिन देश के जो लोग चीख चीख कर अपना गला फाड़ लेते हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं,
तब खतरे में था और आज अगर सुब्रमण्यम स्वामी को लोकतंत्र खतरे में नजर आया है तो आज हम उससे आगे की बात आप लोगों को बता दो कि आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज देश में लोकतंत्र नहीं सिर्फ और तंत्र और मंत्र है, तंत्र मंत्र के आधार पर देश चलाया जा रहा है। और जब लोगों ने कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने कि देश की अर्थव्यवस्था सीमा और लोकतंत्र खतरे में है तो तीनों बातों की सच्चाई मैं आप लोगों को बता दूं। इन तीनों चीजों का हमारी पार्टी ने सौदा कर दिया, मोदी जी ने सीमाओं का, अर्थव्यवस्थाओं का, इन सब चीजों का सौदा कर दिया है। बिल्कुल सौदा इसलिए कर दिया, ये लोग कहते थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, देश की सीमाओं का मजबूत करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि रोजाना हमारी माँ भारती के लाल, हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे शहीद भाई, वे लोग रोजाना तिरंगे में लिपट कर आ रहे हैं। ज्यादा मरते हैं, ज्यादा शहीद होते हैं तो खबर बन जाती है, नहीं तो छोटी सी एक हेडलाइन बन जाती है कि आज छत्तीसगढ़ में दो मर गए, आज बॉर्डर पर एक मर गया, उनको गोली लग गई। लेकिन उनके घर वालों से आप जाकर पूछो, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के सौदे करने वाले लोगों ने इस देश के हमारे शहीद भाइयों को, हमारे फौजी भाइयों को इतने बेकार हथियार जो दे रखे हैं। आप बीजेपी के सांसद थे पहले, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो मतलब आप लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं। अब उन्हीं के सांसद बोल रहे कि लोकतंत्र खस्ता हालत है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे हम ये कहेंगे कि इस देश में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राष्ट्रवाद सिर्फ इतना है कि जो लोग मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेगा वो इस देश में राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, उससे अच्छा देशभक्त कोई नहीं है। और जो इस देश में देश के बारे में सोचेगा, जो इस धरती के बारे में सोचेगा, जो इस देश के बारे में सोचेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। तो कोई पार्टी तो भी हो सकता है, किसी भी देश में कोई पार्टी देश से बड़ी कैसे हो सकती है? बात ये है कि इस देश में बना दिया गया है, मीडिया ने इतना बड़ा भ्रम खड़ा कर दिया कि वो पार्टी सर्वशक्तिमान बन गई। और आप बोल रहे थे कि उसका एक सांसद बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलना लोकतंत्र के विरोध में है। बात यह नरेंद्र मोदी और उसके चमचों को बता दिया जाए कि लोकतंत्र बनता है लोगों से, सिर्फ तंत्र से लोग नहीं बनता है। और ये जो ये राष्ट्रवाद का नशा बताते हैं ना, राष्ट्र बनता है लोगों से, राष्ट्र से लोग नहीं होते, लोगों से राष्ट्र होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ कह रहे हैं। जब आप व्यक्ति को चुनते हो, विचारधारा जिसकी कुछ ना हो, तो फिर ऐसा ही होता है। आपको या तो विचारधारा राष्ट्रभक्ति की विचारधारा लगातार कहते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति का कोई पैमाना है कि राष्ट्रभक्ति उन्हीं के हिस्से में पड़ी है? उनके हिस्से में राष्ट्रभक्ति पड़ी है तो राष्ट्र के लिए क्या किया उन्होंने? यही किया कि उद्योगपतियों को कर्जा माफ, यही किया कि नोटबंदी में करोड़ों अरबों रुपए का फायदा उनको पहुंचाया। राष्ट्रभक्ति भी यही किया। विकास होगा, ये सुनो, ये राष्ट्रभक्ति की पुड़िया और धर्म की जो पुड़िया इनकी जेबों में जो पड़ी है वो सिर्फ इस देश को, इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और इस गरीब को गरीब करने के लिए, अमीर को अमीर करने के लिए ये पुड़िया काम आती है। इस पुड़िया से लोकतंत्र नहीं चलता। इस लोकतंत्र में सारे धर्म है, सारी जातियां हैं, सारे चीजें हैं, लेकिन धर्म और राष्ट्र ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राष्ट्रभक्ति का कोई पैमाना नहीं। क्यों लगता है कि बीजेपी में ही अब बगावत के सुर धीरे धीरे उठने लगे? क्यों लग रहा है आपको? वो इसलिए लग रहा है कि अब आपकी दिखाने वाली और हम लोगों की देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार इन लोगों के खिलाफ बोलने वाला आतंकवादी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, तो हम सिर्फ देखने और दिखाने वाली बात ये होगी आने वाले समय में कि इनके अकल के मारो, इनके अंधो, जो इनके अंधभक्त हैं, जो अपनी अकल बेच कर खा गए, वे या तो स्वामी जी को गाली देंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी इनका स्वागत करते हुए ऐसी फैक्ट्री में को निकाल देंगे जिस फैक्ट्री में इधर से बेईमान देशद्रोही डालते हैं, उधर से राष्ट्रभक्त निकल जाते हैं। तो ऐसा देखेंगे उस फैक्ट्री में रहते हुए अब स्वामी जी राष्ट्र विरोधी आतंकवादी बनते हैं या फिर वे राष्ट्रवादी बनते हैं। अगर वे राष्ट्रवादी बनते हैं, अगर वे यूके यू ही राष्ट्रवादी और देशभक्त रहते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी जी इन सवालों पर विचार जरूर करिएगा। बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि इधर से कोई नेता आता है दूसरी पार्टी का, उस पर आरोप लगे होते हैं, इधर से आता है बीजेपी में, इधर से होकर के उधर से अच्छा निकल जाता है, सारे उस पर जो आरोप लगे थे आरोप मुक्त हो जाता है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ देखिए, किसका सहारा लें, कानून तो हुक्मरानों का हथियार बन गया। किसका सहारा लें, कानून तो अब हुक्मरानों का हथियार बन गया और इस शहर में बेगुनाह भी गुनाहगार बन गया। और जिसने भी करी संविधान बचाने की आवाज, बस वही मुल्क का गद्दार बन गया। जिसने भी उठाई संविधान बचाने की आवाज, बस वही मुल्क का गद्दार बन गया। ये जो आंदोलन चल रहे हैं इस वक्त, फॉर्मर्स प्रोटेस्ट खादीपुर बॉर्डर पे, ये लगभग 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इन्हें। और इस तरीके के आजाद भारत में
अब तक का यह सबसे बड़ा इतिहास का प्रोटेस्ट है हिस्ट्री में, और इस तरीके के आंदोलन 2018 में और वर्ल्ड के अंदर ईरान की राजधानी तहरान में देखने को मिले। एक बात बताइए, जो आंदोलन चल रहा है क्या लगता है इसी सब का फर्क अब धीरे धीरे बीजेपी के नेताओं पर पड़ना शुरू हो चुका है कि जो अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार अब खिलाफ बोलने लगे हैं? जो हम फर्क पड़ रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं फर्क इन पे पूरी तरीके से पड़ रहा है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो ये कोरोना के बहाने नहीं बनाते फिरते। कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। 1966 में जो रूस के अंदर एक प्रोजेक्ट बना हुआ था यूक्रेन में, जब सोवियत पूरा एक था, सोवियत यूनियन अब तो उसके 11 जने 16 टुकड़े हैं, जब पूरा एक था तो यूक्रेन में एक प्रोजेक्ट बना हुआ था जिसका नाम दिया था राष्ट्रपति ने चर्मनल प्रोजेक्ट। उसके टाइम विक्टर चर्मनल मिर्दन मिर्दन जो था वो राष्ट्रपति था, विक्टर चर्मनल मिर्दन राष्ट्रपति था। तो उनने जो प्रोजेक्ट बनाया था यूरेनियम जिसमें से लीक हुआ था, तो उसने बताया नहीं था यूरेनियम जब लीक हुआ, लेकिन हलचल जब पड़ी तो दुनिया ने अपना ज्ञान लगाया कि रूस के अंदर कुछ बिगड़ चुका है और हलचल तेज आई। तो उसका इसके यहाँ से क्या लेना देना है, जल्दी बताइए थोड़ा। तो मतलब जब जांच हुई तो पता लगा कि यूरेनियम फैल गया, उस पे तो अमेरिका ने जंग करी थी उससे, देखो रूस से। और ये 19 साल 4 महीने 4 हफ्ते लगातार चली आते हैं, अभी आते हैं। एक बात बताइए, लगातार आंदोलन चलते हुए इतना समय हो गया है, क्या लगता है आंदोलन का फर्क पड़ा है बीजेपी के नेताओं में जो नीचे से बगावत के सुर उठने लगे हैं? चुनाव भी आने वाला है भाई साहब, फर्क तो इन पे नहीं, फर्क तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा है। जब से गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर से इस देश में किसानों की आवाज फैली, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन शुरू हुए। और आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि स्पेन एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने एमएसपी पर कानून बना दिया। अभी इनके लोग भी हमारे समर्थन में आने लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। चुनिंदा ऐसा सरकार आवाज क्यों नहीं सुन रही है, देश के सभी लोग साथ हैं, विदेशों से भी आपको समर्थन मिल रहा है जैसा आपने बताया, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार यहाँ से पीछे, ये जो हाईवे है 10 किलोमीटर पीछे पीएमओ का ऑफिस बैठता है, क्यों नहीं सुनी सरकार? क्योंकि सरकार फिलहाल वोट बैंक की राजनीति करने में, आप लोग भी देखे होंगे बंगाल में व्यस्त है, वहाँ पर किसानों की बात कर लेंगे, लेकिन जिस देश का किसान सड़कों पर बैठा हो उनकी बात नहीं सुनेंगे। आसाम में जाकर वोट मांग लेंगे, नौजवानों की बात कर लेंगे, किसानों की बात कर लेंगे, चाहे पत्ती की बात कर लेंगे, लेकिन उन्हें लोगों को आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। उन लोगों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की केंद्र में सरकार है, और बंगाल भी देश में आता है, आसाम भी इसी देश में आता है, उन लोगों को भी इस कानून का नुकसान है। तो उन्हें इस बात अब नहीं तो देर से ही, किसने कहा है कि देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता, तो इन लोगों को सुननी पड़ेगी। जबकि इस देश का किसान 4 साल के लिए 3 साल के लिए यहाँ बैठने के तैयार है, जब चुनाव आएंगे। अभी आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन लोगों ने फूल का कमल निशान लगाकर अपने पोस्टर होर्डिंग बैनर लगा रखे थे, उन लोगों ने इनका झंडा हटा के और राकेश टिकैत का झंडा लगाकर चुनाव लड़ रहे, किसानों का झंडा लगाकर चुनाव लड़ रहे। तो बदलाव तो है, बदलाव परिवर्तन है, समय लगेगा 2022 तक, अक्टूबर तक कहा है। परिवर्तन का नारा बीजेपी ने बंगाल में भी दिया कि परिवर्तन होगा, तो यहाँ भी तो परिवर्तन नहीं है कहीं बीजेपी का, यहाँ तो किसानों का परिवर्तन चलेगा। ये परिवर्तन की लड़ाई आप लोग देख तो रहे हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में इन लोगों ने अपने झंडे हटाकर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, और अक्टूबर तक राकेश टिकैत जी ने कहा कि आंदोलन चलेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता निकलता है, लेकिन दिल्ली के रास्ते में फिलहाल अब किसान बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलोगे तो रास्ते में किसान बैठा मिलेगा, उधर चलोगे तो उधर आपको पास कोई चारा है ही नहीं, तो इन्हीं किसानों के पास से होकर गुजरना पड़ेगा, इसी बैरिकेडिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। यही सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।